गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल स्कूल आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखिए ट्रिग्नोमेट्री का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए कि हम जो ट्राइंगल यहाँ पे देखेंगे वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए हमारा हमारा ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर हो गया कैसा ट्राइंगल की डील करेंगे हम यहाँ पे जो भी बातें होगी जैसा भी जितनी भी बातें होंगी ट्राइंगल में सारों के सारे ट्राइंगल कैसे होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए पहली बात यह हमें क्लियर होनी चाहिए उसके बाद चलिए आगे करते हैं ये टर्म देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियोज का क्या मतलब होता है आपने पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा रेशियो हम कैसे लिखते हैं जैसे ए रेशियो बी बोला हमने ये दिया हुआ है थ्री रेशियो फोर इसका मतलब क्या होता है ए अपॉन बी इक्वल टू थ्री अपॉन फोर रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है सबसे पहली बात क्या है रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है मान लीजिए ये थ्री किलोमीटर था ये फोर किलोमीटर था तो यहां हम लिखते हैं थ्री किलोमीटर अपॉन फोर किलोमीटर किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाता इट इटमीन्स रेशियो की कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होती है जैसे ना सेंटीमीटर रहेगा ना के रहेगा ना लीटर रहेगा कुछ भी नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं साइन हो गया को साइन हो गया टेंजेंट हो गया सेकेंड हो गया को सेकेंड हो गया को टेंजेंट हो गया ऐसे छह रेशियोज हमें पढ़ने होते हैं तो इनके बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ हमारे सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको एबीसी जिसमें नाइनटी डिग्री कहां पे है बी अब ये एंगल ए दिख रहा है आपको एंगल ए के सामने की तरफ अगर हम देखें तो जो साइड BC है उसको हम क्या बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए के सामने ऑपोजिट है बिल्कुल ये तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ये वाली साइड होगी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइप्रोट बोलते हैं तो बच गई तीसरी साइड तो इसका नाम क्या रखेंगे हम साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए यानी एंगल ए के बिल्कुल पास वाली जो साइड है हालांकि ये साइड भी एडजस्टेंट टू ए पर इसका नाम फिक्स हो गया जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे जो सामने होगी उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड और जो बगल में होगी जो बच जाएगी उस साइड को हम बोलेंगे एडजस्टेंट साइड तो ठीक है यहाँ क्या लिखा है हियर एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी इसको हम शॉर्ट में एंगल ए बोलेंगे इज एन an हमें पता है ये पोजिशन ऑफ द साइड ए जो बी सी है वो हमारी क्या है अपोजिट है एंगल ए के इसलिए हमने साइड अपोजिट एंगल ए बोला है और जो साइड ए बी है उसको हम बोलेंगे साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए तो ये नाम आपको याद रह जाएंगे एक साइड अपोजिट होगी एक एडजस्टेंट होगी और जो तीसरी सबसे बड़ी साइड होगी उसका नाम क्या हो जाएगा हाइपोटेनस चलिए अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं हमारे पास टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या क्या नाम है उनके नाम देखिए साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंड सेकेंट एंड को टेंजेंट इनको पूरा पूरा ना लिखे कई बार हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं जैसे साइन को हम ऐसे लिख देते हैं साइन ए ऐसे लिखो या इसको एंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है सीधा हम साइन ए लिख सकते हैं इसको हम क्या लिखते हैं कॉस ए इसको क्या लिखते हैं टेन ए इसको क्या लिखेंगे कॉशेक ए इसको क्या लिखते हैं सेक ए और इसको क्या लिखते हैं कॉट ए तो ये नाम हमारे शॉर्ट में चलते हैं इनके और ये पूरे बड़े नाम है हमें दोनों पता होने चाहिए ज्यादातर जो हम यूज करेंगे चैप्टर के अंदर वो ये वाले नाम यूज करेंगे ये पूरे बड़े बड़े नाम है इसके तो दोबारा से देख लीजिए एक बार साइन ए कोसाइन ए टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड एंड को, एं, को टेंजेंट शॉर्ट में क्या बोलेंगे साइन कॉस्ट एंड कॉसेक् सेकॉ तो ये वाले नाम हम यूज करेंगे चैप्टर में ज्यादातर पर हमें ये भी पता होने चाहिए अब किसका मतलब क्या है यहां पे काफी कुछ लिखा हुआ है तो पहले मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूं देन हम इसी स्क्रीन पे आएंगे चलिए सबसे पहले समझिए ये आपके सामने ट्राइंगल है मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं बी इसको नाम दे, दे देते हैं ए इसको नाम दे, दे देते हैं सी कैसे भी नाम दे सकते हैं हमारी मर्जी है देखिए ये एंगल ए हो गया हमारा तो एंगल ए के सामने जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे अपोजिट साइड यानी ये साइड क्या हो जाएगी हमारी साइड अपोजिट टू एंगल ए और ये क्या साइड हो जाएगी साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट टू एंगल ए क्लियर हो गया और जो सबसे बड़ी साइड है उसका नाम हमने क्या रखा था हाइपोटेन्यूस। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि जैसे ये एंगल ए है तो एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं पपेंडिकुलर क्या बोलते हैं पपेंडिकुलर और जो बच जाती है साइड उसको क्या बोलते हैं बेस याद करने के तरीके बता रहा हूं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको बुक्स में ये याद करने का तरीका है हम इस तरीके से भी कर लेंगे और इस तर, दोनों तरीके से हम कर लेंगे ताकि हमारे को थोड़ा सीखना आसान हो जाए तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम देखिए साइन ए क्या होता है सबसे पहले समझना ये एंगल ए है तो साइन की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड क्या लिखेंगे साइड अपॉन कौन आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अब अपोजिट साइड का नाम बताइए आप इस ट्राइंगल में देख के क्या नाम हो जाएगा इसका सी बी या बी सी कुछ भी बोल सकते हैं हम लिख देते हैं बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस कौन है ए सी तो ये सबसे बेसिक है जो चीज हमें सीखनी है कि साइन A का मतलब लिखा है तो साइन A का मतलब होता है सामने वाली साइड अपॉन में हाइपोटेनियस यानी अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस अपोजिट साइड है बी सी हाइपोटेनियस है हमारी ए इसी तरीके से बताइए कॉस की अगर मैं बात करूं कॉस में क्या हो जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन

इसी तरीके से बताइए मुझे टेन ए की वैल्यू क्या होगी तो टेन ए हमारा क्या होता है टेन ए हमारा हो जाता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो क्या लिखेंगे opposite side upon adjacent side. तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये हो गया बी सी अपॉन में तो सबसे पहले हमने तीन ही देखे हैं फिर अगले तीन देखेंगे दोबारा से समझना साइन ए कॉस ए और का मतलब होता है क्या हो गया तो बहुत सारे लोगों को यह स्टार्टिंग में याद नहीं होता है बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों ने इसके शॉर्टकट भी निकाल रखे देखिए शॉर्टकट कैसे सीखते हैं देखिए मैंने कहा था कि अपोजिट साइड का हम नाम क्या लगते हैं फॉर क्या नाम दिया इसका हमने फॉर बेस को हम क्या बोलेंगे बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटे किस से याद करेंगे एच से तो उन्होंने इसका शॉर्टकट क्या बना दिया हमने इस तरीके से देखिए बी बी पी अपॉन एच एच इसको याद ऐसे करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले कैसे याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले यानी पी बी पी अपॉन एच एच बी तो सबसे पहला जो रेशियो है ये वाला रेशियो इसका नाम होता है साइन थेटा ये वाला क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा देखिए दूसरा जो है इसका नाम हमारा हो जाता है कॉस थेटा और जो तीसरा है इसका नाम हमारा होता है थीटा ये याद करने के लिए बता रहा हूं ऐसा आप अपने आंसर शीट के अंदर ऐसा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ये स्टार्टिंग में सिर्फ याद करने के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद बोले तो P P अपॉन 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 यानी ये ये हमारा है, ये है। P upon H, हमारा है है क्या हो गया साइन थीटा यानी कि BC अपॉन में AC अगर आपको सीधा ये लिखना है बीच वाली चीज आप नहीं लिखना चाहते हैं कि साइन ए बराबर ये तब ये वाली चीज हमारे काम आती है तो साइन ए क्या हो जाएगा बीसी अपॉन ए सी यानी कि बीसी अपॉन ए सी पड़ी अपॉन से अपॉन बेस यानी कि बीसी अपॉन में ए बी ये याद करने के लिए हमारा हो गया हम बीच वाली चीज को अगर स्किप करें सीधा इसका मतलब, इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या उसके लिए हम इसका यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले पी अपॉन बी ऑपोजिट साइड का नाम पोपेंडिकुलर होगा सबसे बड़ी साइड होगी, जो बचेगा उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा बेस या एडजेसेंट साइड क्लियर हो गया base ये पोपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिस ऐसे देखा जाता है तो चलिए इसका उल्टा कर दो आप तीनों को उल्टा कर दीजिए एच अपॉन पी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉशेक एच अपॉन बी हमारा हो जाएगा कॉट ये इसको उल्टा करते ही हमारे क्या हो जाते हैं साइन कॉस टेन की जगह बन जाता. क्लियर हो गया तो चलिए इस चीज को लिख लीजिए अच्छे से एक बार नेक्स्ट आता है Cosec कॉशेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन

cot a की बात करूं तो cot a हमारा क्या हो जाता है ये हो जाता है हमारा एडजसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड यानी कि क्या हो जाएगा ab अपॉन में bc देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर ab अपॉन bc तो सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका हमारा फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं या याद रखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ऊपर से नीचे लिखेंगे तो साइन कॉस्ट एन नीचे से ऊपर चलेंगे तो कॉशेक्सै इस तरीके से हमें छह के छह नाम याद हो जाने चाहिए अच्छे से तो इनको लिख लीजिए और ये वाली चीज जरूर याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसकी चार पांच बार आप प्रैक्टिस करोगे देन आप ये सारी चीजें सीख जाओगे ये ट्राइंगल है हमारे पास साइन ए तो हमारे पास ट्राइंगल क्या था ट्राइंगल को वापस बना देता हूं ए बी सी ये ए था ये बी था ये सी था और ये नाइंटी डिग्री था इसका नाम क्या हो गया hypotenuse. इसका नाम हो गया साइड साइड और इसका नाम हो गया तो चलिए साइन ए बताइए मुझे क्या हो जाएगा साइन ए हमारा हो जाता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन ए की बात कर रहे हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइड है हमारा बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ए तो ये हो गया बी अपॉन में एसी इसी तरीके से कोसाइन यानी कॉस क्या बताया था आपको कॉस बताया था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या हो गया ये ए बी अपॉन में एसी ये ए बी अपॉन में एसी इसी तरीके से tan क्या बताया था आपको, आपको? अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड यानी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी बी सी अपॉन में ए बी इसको अगर पंडित बद्री प्रसाद से हम करना चाहें तो अभी बताया था कर सकते हैं सेम वही चीज है अब देखिए यहां पे एक चीज लिखा है कि जो कौशेक थीटा है कौशेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता है जैसे हमने बताया था कि पी अपॉन एच हमारा जो था वो साइन थीटा था एच अपॉन पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो कॉशेक तो एक चीज हमें और ध्यान रखनी है मैं यहां लिख देता हूं कि जो कॉशेक थीटा है कॉशेक ए बोल दीजिए थीटा बोल दीजिए वो साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा इसी तरीके से जो के है वो किसका रेसी हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए का रेसिप्रोकुल उसी तरीके से कॉट ए की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा वो टेन ए का रैसी तो इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल पेयर्स क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल पेयर्स कौन किसका रसी होगा कॉस्टेक साइन का होगा सेक कॉस का होगा कॉट टेन का होगा ये उल्टे भी लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू ये कॉशेक नीचे चला जाएगा कॉस ए इक्वल टू ये सेक नीचे चला जाएगा टेन ए इक्वल टू ये कॉट यहाँ ये अपनी जगह बदल सकते हैं कहने का मतलब ये तो ये रेसिप्रोकल पेयर्स होते हैं तो चलिए जो साइन आया है उसका उल्टा कर दीजिए बीसी अपॉन एसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एसी अपॉन देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा इसी तरीके से ए बी अपॉन ए सी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इसी तरीके से बीसी अपॉन ए बी का करना है तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी तो ये छह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के ट्राइंगल बना के बार बार लिख के बीस बार आप लिख दोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता देता हूं आपको देखिए आप क्या करेंगे एक ऐसा ट्राइंगल बना देंगे मान लीजिए ये ट्राइंगल लिया आपने इसका नाम ए रख दिया बी रख दिया सी रख दिया इस तरीके से बना सकते हैं और आप फटाफट यहाँ पे लिखेंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी साइड्स को देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा फटाफट देखिए और टेन ए क्या हो जाएगा पहले तो इनकी प्रैक्टिस करनी है तीन की उसके बाद बाकी की जो तीन है वो पता है इन, इनकी जो वैल्यूज आएगी उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो उनकी वैल्यूज आ जाएगी मान लीजिए इस ट्राइंगल मैं वैल्यूज दे देता हूँ

टेन ए की बात करें तो क्या हो जाएगी फोर अपॉन थ्री इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे बीस तीस ट्राइंगल आप बनाएंगे और फटाफट साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा ये साइन हो गया ये कॉस हो गया ये टेन हो गया इनका रिवर्स कर दीजिए कॉशेक बताइए मुझे क्या होगा कॉशेक के क्या हो जाएगा साइन का उल्टा यानी फोर बाय फाइव का उल्टा करेंगे तो फाइव बाई फोर साइक ये क्या हो जाएगा ये इसका रिवर्स हो गया इसका रिवर्स ये थ्री बाय फाइव का उल्टा कर दीजिए कितना हो गया फाइव बाई थ्री और इसी तरीके से कॉट ए क्या हो जाएगा टेन ए का उल्टा हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर यानी तीन करते ही हमारे क्या हो जाएंगे बाकी के तीन ऑटोमेटिक निकल जाते हैं सिर्फ आपको रेसिप्रोकेट करना उनका आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से यहाँ तक आगे चल सकते हैं चलिए मूव करते हैं तो ऐसे ट्राइंगल बना के आपको कम से कम 20 ट्राइंगल में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मान के चलना कि आपको साइन कॉस टेन कॉस एक्स की वैल्यूज अच्छे से लिखनी आ जाएगी चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने गिवन टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री देखिए टेन एस एंगल की हमसे बात कर रहा है टेन क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी ये फोर ये थ्री हमने के साथ में लगा दिया है टेन एक्वल टू मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है फोर बाय थ्री तो हम यहां भी के लिख सकते हैं यहां भी के लिख सकते हैं उससे कोई चेंज नहीं होगा तो ये फोर के हो गया ये थ्री के हो गया हमसे पूछ रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए हमें बाकी के सारे निकालने तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से हमारे पास मैंने लिखा साइन कॉस टेन फिर यहां लिखेंगे कॉसेक्स और कॉट ऐसे लिख सकते हैं हमें क्या गिवन है हमें टेन ए दिया हुआ है फोर बाई थ्री तो जल्दी से लिख दीजिए टेन ए के सामने फोर बाई थ्री हमें पता है कॉट ए क्या होता है टेन ए का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे वन अपॉन टेन ए यानी कि ये फोर बाय थ्री का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर ये तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं सेक ए क्या हो जाएगा वन अपॉन कौस ए का उल्टा करना है ये वन अपॉन साइन ए का उल्टा करना है अब हमें पता है साइन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटे यानी हमारे पास सबसे पहले हाइपोटेनिस हमें वैल्यू पता होनी चाहिए हाइपोटेनिस की वैल्यू कैसे आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए क्या लिखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये आ थ्री के का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के स्कवायर यानी ये जब सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी तो ए सी स्क्वायर आ गया ट्वेंटी तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव के ये यहां लिख दीजिए फाइव के तो इससे हमें क्या पता चला साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटे

उल्टा कर दीजिए सेक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री ये लीजिए हमारे छह के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे निकल के आ चुके लिख लीजिए इनको भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें एबीसी एंड पी क्यू आर और क्या कहता है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ हमें क्या गिवन है एंगल बी एंड सॉरी एंगल बी एंड क्यू आर और साथ में दिया हुआ है ये चीज हमें गिवन है और ये चीज हमें प्रूव करनी है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू तो इसको लिख लेते हैं हम बताइए साइन बी की वैल्यू क्या होगी इस ट्रा में देख के मुझे साइन बी की वैल्यू बताइए आप क्या बोलेंगे सर साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी होगा या नहीं होगा बिल्कुल सही बात है इसी तरीके से साइन क्यू की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटे यानी क्या हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू तो लिख सकता हूं मैं पी आर अपॉन पी क्यू हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू ऐसा हो गया क्या मैं इनकी वैल्यू शिफ्ट कर सकता हूं पी आर इधर ले जा सकता हूं ए बी उधर ले जा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो मैंने क्या किया एसी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इसको इक्वेशन नंबर दे दिए मैंने वन अब देखिए आप मुझे वैल्यू चाहिए यहां पे ए सी मुझे पता है ए बी मुझे पता है ए सी मुझे पता है ए बी मुझे पता है मुझे और कौन चाहिए ए बी चाहिए तो आप मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आप बोलोगे सर ए बी का सॉरी ए बी और ए सी तो हमारे पास है हमें चाहिए बीसी एक सेकेंड बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो एबी का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा तो बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ये वाली साइड का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर तो क्या लिख सकता हूं मैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कैसा लिख सकता हूं मैं आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो इसी तरीके से बताइए क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल लिख सकते हैं अब एक चीज बताइए मान लीजिए ये जो रेशियो निकल के आया इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर वन दिख रही है आपको ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू एन पी क्यू अगर इसको मैं to, के मान लू कोई दिक्कत है इसमें इस रेशियो को मैंने क्या मान लिया के मान लिया मुझे चाहिए बीसी अपॉन क्यू आर की वैल्यू मैंने क्या किया बीसी अपॉन क्यू आर लिखा तो पहली बात तो ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ए बी माइनस ए सी दोनों का स्क्वायर है इसका रूट ले लीजिए अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर ये लीजिए रूट में आ गया ठीक है यहां तक अब देखिए क्या मैं एबी की जगह के इंटू पी क्यू लिख सकता हूं AB की जगह क्या लिख रहा हूं के इंटू पी क्यू तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा K square into PQ square. ठीक है यहां तक इसी तरीके से AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं के इंटू पी आर लिख सकता हूं तो ये क्या बन जाएगा माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर ये रूट है और नीचे क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट अब दोनों में से अगर के स्क्वायर में कॉमन लेता हूं रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा ये बनेगा अंदर क्या बचेगा PQ square minus PR square. और नीचे भी क्या बचा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया यानी मुझे क्या मिला मुझे ये मिला बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के ये इक्वेशन नंबर बने मेरी टू अब देखिए ये वाली चीज भी के के इक्वल थी और ये वाली चीज भी के के इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम वन एंड टू हमारा हो गया ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ये चीज हो गया अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या हो रहा है एसी अपॉन पी आर अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड है वो आपस में क्या हो गई है प्रोपोर्शन में हो गई है और ऐसा हमने जब ट्राइंगल पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था अगर किसी दो ट्राइंगल्स की साइड अगर प्रोपोर्शन में होती है इट मीन्स कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ये चीज समझ में आई ट्राइंगल क्या हो गए दोनों सिमिलर और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं हम क्या लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये चीज हमारी क्या हो गई प्रूव हो गई तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बस थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ा बीसी और क्यू का रेशियो निकालना पड़ा यहाँ पे ये रेशियो तो हमारे पास था बीसी और क्यू का हमने रेशियो निकाला तीनों रेशियो सेम आ गए मीन्स ये तीनों साइड्स क्या हो गई प्रपोर्शन में होगी इट मीन्स ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेस्पेक्टिव एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे चलिए लिख लीजिए इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ट्राइंगल ए सी बी है राइट एंगल एट सी है बी पे? पे. की वैल्यू हमें ट्वेंटी वन दी, है, B, C की वैल्यू हमें 21 दी है। जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड हमें दे, दे देगा तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं से निकाल सकते हैं तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए यूजिंग पाइथागोरस हम क्या कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अब आप बताइए मुझे ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर अब मुझे तो सीधा सीधा दिखता है कि इन दोनों का स्क्वायर का जब आप डिफरेंस करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा ये फोर हंड्रेड ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 400 के आप कैलकुलेट करके देखना इसको आराम से मुझे ऐसा क्यों पता चल गया डायरेक्ट कि डायरेक्टी स्क्वायर फोर होगा मैंने बिना कैलकुलेशन के पता कर लिया क्यों पता कर लिया कि मुझे पता है कि ट्राइंगल की तीन साइड ऐसी होती हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी चेक करके देखिए बीस का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड का स्क्वायर होता है फोर दोनों को ऐड कीजिए वन फोर एट ये जो एट फोर वन है ये किसका स्क्वायर होता है ट्वेंटी नाइन का आप कर सकते थे एट फोर वन माइनस फोर फोर वन ये क्या आ गया फोर हंड्रेड आ गया इससे मुझे क्या पता चल गया एसी की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी तो यहां लिख सकते हैं हम ट्वेंटी तो ये हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी नाइन क्लियर यहां तक ये ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे चलते हैं आगे अब हमें क्या कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए कॉस स्क्टर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो जल्दी से मुझे बताइए इस ट्राइंगल के अंदर थीटा किसको माना है इसने थी को माना है तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए पहले मुझे कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिखूंगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये हो गया ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाती है ओहो गलत लिख दिया एक ये जो वैल्यू लिखी है हमने ये साइन थीटा की वैल्यू थी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाईपोटे ये क्या हो जाएगी ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर फोर वन अपॉन एट फोर वन प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फोर हंड्रेड अपॉन एट फोर वन ये कितना आ गया एट फोर वन अपॉन एट फोर वन यानी कि किसके बराबर हो गया के इक्वल हो गया ये। और ये और एक थ्योरम भी होती है आगे जाके आप पढ़ोगे कि थीटा थीटा ऑलवेज वन होता है कैसा भी ट्राइंगल हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या हो जाता है वन हो जाता है इसको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे ये आपको हो सकता है पहले से भी पता हो ये चीज चलिए इसी तरीके से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करना है तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा फोर फोर वन अपॉन में एट फोर वन माइनस फोर हंड्रेड अपॉन में एट फोर वन यानी कितना आ जाएगा फोर्टी वन अपॉन एट फोर वन ये हमारा आ गया इसका आंसर क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे दोनों के दोनों सिर्फ क्या करना था ट्राइंगल देखते ही दो साइड आपको पता है तो तीसरी साइड निकाल दीजिए थ्योरम लगा के उसके बाद पूरा ट्राइंगल जब बन गया तीनों साइड हमें पता है तो हम साइन कॉस आसानी से बता सकते हैं फिर जैसा बोले क्वेश्चन वैसा कर लीजिए चलिए आगे चलते हैं ये एग्जाम्पल क्या कहता है इन्हें राइट ट्राइंगल एबीसी देखिए एबीसी राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल कहां पे हमारा बी पे है कहता है इफ टेन एक्वल टू वन दिया क्या है हमें दिया है टेन एक्वल टू वन इसका क्या मतलब की वैल्यू अगर मैं देखू देखिए हमेशा हम यहां से एंगल देखते थे इस बार इसने एंगल कौन सा दिया हमें यहां से देखना है ये चीज ध्यान रखना टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टेन ए की वैल्यू हो जाती है अपोजिट साइड

ये चीज समझ में आया ए बी इक्वल टू बी सी और अगर दोनों को मैं के मान लू ये मैंने कर लिया कि इसको भी आप के लिख दीजिए इसको भी आप के लिख दीजिए तो क्या ए सी निकाल सकते हो पाइथोग पाइथोग्योरम एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा टू के स्क्वायर इससे मुझे पता चला रूट ले लेंगे तो ए क्या हो जाएगा रूट टू एन हमारे आगे रूट टू के ये के है ये के है और ये क्या आ गया रूट टू के इसको मैं थोड़ा सा डब्बे में डाल देता हूं आपको दिखे आसानी से ये लीजिए अब हमें कह रहा है कि ये प्रूव करना है टू साइन ए कौश तो सबसे पहले मुझे बताइए साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल को देखिए साइन ए की वैल्यू बताइए आप बोलेंगे सर साइन ए देखना है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो साइन ए क्या हो जाएगा अपोजिट साइड हमारी है बीसी है हमारी ए सी अगर के की टर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा के अपॉन अंडर रूट टू के, के से के कट जाएगा तो क्या बचेगा वन अपॉन रूट टू इसी तरीके से आप मुझे बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस तो क्या लिखेंगे इसको ए बी अपॉन में क्या हो गया के अपॉन अंडर रूट टू के से कैंसिल हो गया क्या हो गया वन अपॉन रूट टू साइन ए की वैल्यू आई है वन अपॉन रूट टू कॉस ए की वैल्यू आई है वन अपॉन रूट टू अब जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर रख के देखिए हमने लिखा टू साइन ए कॉस ए Osionfish. ये लिखा हमने टू साइन ए की वैल्यू वन अपॉन रूट टू ये वन अपॉन रूट टू ये क्या हो गया टू इंटू वन अपॉन टू यानी कितना हो गया वन ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था इसको के माना इसको के माना तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट टू क्या आ गया साइन ए की वैल्यू होगी के अपॉन रूट टू के कौश की वैल्यू आ गई के अपॉन रूट टू के यानी वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू तो सॉल्व करेंगे टू इंटू वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू यानी टू अपॉइन टू हो गया वन चलिए आगे चलते हैं ये एग्जांपल क्या कहता है इन ट्राइंगल ओपी क्यू ओपी क्यू दिख रहा है आपको ओपी क्यू राइट एंगल कहां पे पी पे पी पे नाइन्टी डिग्री हमारा ये कहता है ओपी की वैल्यू है सेवन ओपी दिख रहा है हमें ये वैल्यू हमें दी हुई है सेवन और साथ में क्या दिया है क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू वन ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू वन ये चीज भी हमें दे दी कहता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी आप मुझे डायग्राम देख के बताइए ये क्यू है यहां से हमें देखना है तो साइन क्यू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेंस यानी क्या हो जाएगा पीओ अपॉन क्यूओ क्या हो जाएगा पीओ अपॉन क्यू ओ इसी तरीके से कॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा कॉस क्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन यानी क्या हो जाएगा क्यूपी अपॉन QO. ये लीजिए मैंने लिख दिया क्यूपी अपॉन में QO. अब हमें क्या चाहिए ये वैल्यू सेवन दे रखी है इन दोनों वैल्यूज हमें दी हुई नहीं है तो एक चीज बताइए <coughs> अगर इसको मैं x एज्यूम कर लू तो क्या ये x प्लस वन लिख सकता हूं इसको मैं देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू कीजिए तो वन आएगा यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वन का डिफरेंस है इसको एक्स माना तो एक्स प्लस वन अगर मैं इसको एक्स मानता है तो ये क्या हो जाती है एक्स माइनस वन अब इसके अंदर आप पाइथागोरस लगाइए और एक्स की वैल्यू निकालिए तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस पाइथोग्रसम हमारी पीक्यू स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर तो पीक्यू की वैल्यू हमने मानी है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर ये लेट्स किया हमने लेट्स PQ टू एक्स देन क्यू ओ इक्वल टू एक्स प्लस वन इसके अकॉर्डिंग आ गया तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इधर उधर करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ये वन उधर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा फोर्टी एट यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फोर यानी क्या मैं कह सकता हूँ पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ट्वेंटी फोर इसमें प्लस वन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास तो बताइए साइन क्यू की वैल्यू क्या आ गई पीओ अपॉन क्यू ओ पीओ की वैल्यू है सेवन क्यू ओ की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव ये कितना आ गया ट्वेंटी फोर अपॉन 25 ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर्स हो गए तो सिंपल से क्वेश्चन था आराम से यानी कहने का मतलब पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला फोकस हमारा यही रहेगा कि जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है तीनों साइड हमें पता होंगी तीनों साइड पता होने के बाद सेकंड काम हमारा ये होता है कि ट्रायंगल को देख के हमें sin cos tan cosec sec cot की वैल्यूज लिखनी आ नीचे कि साइन थीटा ये हो गया कॉस थीटा ये हो गया कौ सी हो गया सी हो गया ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ साइन देखना है तो अपोजिट अपॉन देखना है तो अपॉन देखना है तो अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस से ही आएगा अदरवाइज कोई इसका शॉर्टकट नहीं है आपके पास पंडित बद्री प्रसाद वाला मैंने समझा दिया उससे खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं थैंक यू